यूहन्नाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर यूसी 245 के साबका चेयरमैन इश्तियाक जेम्स गिल और WWF की टीम ने यूहन्नाबाद शोहदा कब्रिस्तान में पौधे लगाए। इस मौके पर काउंसलर जेब रहमत, दाऊद गिल, राणा शौकत, सुलेमान सैमुअल और दीगर वर्कर और कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद थे। इस मौका पर वहां पर मौजूद मुकर्ररीन ने क्या कहा जानते हैं। मेरा नाम उस्मान इजाज है और मैं WWF में एज अ सीनियर ऑफिसर इकोलॉजी एंड मोबिलाइजेशन काम कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट है कम्युनिटी वाटर स्टूवर्डशिप फंडेड बाय पेप्सिको, जिसके सिलसिले में आज यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमने एक ट्री प्लांटेशन ऑर्गेनाइज की है विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे इश्तियाक जेम गिल साहब हैं जो कि यहाँ के चेयरमैन, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी तावन किया है और यहाँ पे हम यूहन्नाबाद का जो मेन कब्रिस्तान है यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने 200 के करीब जो लोकल दरख्त हैं, जिसमें अर्जुन है, सुखचैन है, कचनार है, मुख्तलिफ़ किस्म के और जो लोकल दरख्त हैं, ताकि यहाँ पे शेड प्रोवाइड किया जाए और हमारी जो सॉइल इरोजन वगैरह हो रही है और लोगों को छांव वगैरह में असर हो। इसके अलावा हमने यहाँ पे 30 के करीब घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाए हैं कम्युनिटी के तावन से। उसका मकसद ये कि हम कम्युनिटी को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है इसको बचाएं और बारिश का पानी भी काबिल इस्तेमाल है। जब आपकी रेनफॉल सीज़न होता है उसमें आप बारिश के पानी को जमा करके पीने के अलावा बाकी रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं WWF के कि उन्होंने आज हमारे लिए जो कब्रिस्तान के लिए और ख़ासकर हमारे इस एरिया के लिए जितनी भी हमारी यूसी 245-46 के लिए पौधों का इंतज़ाम किया है और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और सबसे पहले हमारा फोकस यही है जो हमारा कब्रिस्तान है, जो हमारा नया कब्रिस्तान यूहन्नाबाद शहदा कब्रिस्तान, जिसको मैंने असम्बली में पास कराया था अपनी ये डिस्ट्रिक्ट असम्बली में, क्योंकि इसका नाम शहदा कब्रिस्तान रखा जाए। और आज हमें ये शर्फ हासिल हो रहा है कि हम तमाम यहाँ कम्यूनिटी मिलकर और WWF के तावन से हम आज यहाँ जो पौधे हैं, ख़ासकर ये फलदार पौधे और दूसरे जो फूलदार पौधे हैं ये लगा रहे हैं। और इसी तरह WWF ने यूहन्नाबाद के लिए, यहाँ कब्रिस्तान के लिए और चर्चेज के लिए, और इसी तरह जो हमारे जो घर हैं उनके लिए जो कुदरती पानी है हम उसको सेव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ जो टैंकियाँ वगैरह हैं वो भी जल्द लगनी शुरू हो जाएंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एजाज आसमान साहब के, इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया है और ये काम ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है ये खूबसूरत से खूबसूरत रहे। और इसी तरह अब मैं हमारे लिए रहमत साहब जो काउंसलर हैं, ये भी हमारी जो टीम है, जो हमारी जो कमेटी है जो हम यहाँ बनी है उसके मेंबर हैं, ये भी आपके साथ बात करें। जी, हम WWF के दिल की ताज रही से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक ये ढूंढना मसला था कि जहाँ पे कब्रिस्तान में पौधे बहुत कम थे तो ये लगा रहे हैं फूल और फलदार पौधे लगा रहे हैं, तो हम इनके इनके लिए दिल की ताज रही से शुक्रगुजार हैं। और मज़ीद कब्रिस्तान के अलावा भी पूरी यूसी में कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह से डोर टू डोर जा के कुछ चौकों में जा के ना, तो इसी तरह ये पौधे लगाएंगे। शुक्रिया।